हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी विद हर्षद टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बिजनेस स्टेटिक्स एंड एनालिसिस पेपर कोड के एम बी एन वन जीरो फोर क्वेश्चन वन डिसीजन ट्री अप्रोच एंड इट्स एप्लीकेशंस इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिसीजन ट्री अप्रोच उसके बारे में बताना है और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं वो सब डिटेल में बतानी है सेकेंड डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ को रिलेशन इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ को रिलेशन को डिस्क्राइब करना है थर्ड क्वेश्चन व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज थर्ड क्वेश्चन में टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स के बारे में पूछा गया है उनको बताना है और अगर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं तो उन्हें भी करें क्वेश्चन फोर्थ व्हाट आर द एप्लीकेशंस इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग बिजनेस डिसीजन मेकिंग में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में बताना है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स इसमें डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में डिफरेंस बताना है इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है आप इन दोनों को अलग अलग डिस्क्राइब कर सकते हैं या साथ में ही डिफरेंस बता सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स ए स्पीक्स द

एक्सप्लेन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन लॉ वॉट इज बेस्ड थियोरम इस क्वेश्चन में एडिशन और मल्टीप्लीकेशन लॉ एक्सप्लेन करना है और बेस्ड थ्योरम क्या है इसके बारे में बताना है नेक्स्ट वन एज वट डू मीन बाई बिजनेस एनालिटिक्स एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड एप्लीकेशन इसमें आपको बिजनेस एनालिटिक्स की डेफिनेशन इसके टाइप्स और एप्लीकेशन ये तीनों चीज आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन Write the properties of binomial and normal distribution. इसमें आपको प्रॉपर्टी इन तीनों की बतानी है कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज जीरो पॉइंट फोर एट द कोवेरियंस इज थर्टी सिक्स द वेरियंस ऑफ एक्स इज सिक्सटीन फाइंड द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ वाई ये न्यूमेरिकल है इसमें आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन और वाई बताना है इसे फाइंड आउट करना है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर आ चुका है पहले भी इसलिए इसको भी आप जरूर नेक्स्ट डिफाइन डिस्कस इट्स फंक्शन एंड लिमिटेशन इस क्वेश्चन में आपको स्टेटिक्स की डेफिनेशन इसको डिफाइन करना है इसके फंक्शंस क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं, इन चीजों को भी डिफाइन करना है नेक्स्ट वन डिस्क्राइब ची स्क्वायर टेस्ट इसे आपको डिस्क्राइब करना है ची स्क्वायर टेस्ट क्या होता है इसकी क्या डेफिनेशन है क्या इसकी इंपॉर्टेंस है ये सब वट डू मीन बाई हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग से क्या समझते हैं क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये आपको बताना है नेक्स्ट डिफाइन प्रोबेलिटी थोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आपको डिफाइन करना है प्रोबेलिटी थोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब प्रोबेलिटी प्रोबेलिटी क्या है इसको आपको डिस्क्राइब करना है नेक्स्ट डिफाइन रेगुरेशन लाइन रेगुरेशन लाइन क्या होती है उस आपको डिफाइन करना है शॉर्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वन सेवनटीन वट डू यू मीन बाई को रिलेशन को रिलेशन क्या है उसको आप डिस्क्राइब करना है ये शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के काफी आ चुका है शॉर्ट डिफाइन टाइम सीरीज एनालिसिस टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है इसके बारे में आपको बताना है डिस्क्राइब करना है डिफाइन क्वार्टाइल्स व्हाट इज मीन डेवीज इसमें क्वार्टाइल्स क्या है ये बताना है और साथ में मीन डेविएशन क्या है इसको आपको डिस्क्राइब करना फ्रेंड्स ये ट्वेंटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आई होप आपको ये सब अच्छी आई होगी वीडियो पसंद आई होगी मेरी वीडियो प्रीवियस वीडियोस भी आपको बहुत अच्छी लगी हैं अगर आप और भी सब्जेक्ट्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सब वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो को लाइक like जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो